और अब भिंड का रुख करते हैं। अमायन क्षेत्र को तहसील का दर्जा मिला है। विधानसभा में तहसील बनाए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। ये नवीन तहसील महगांव से 38 रेवेन्यू हलकों को अलग कर बनाई जाएगी। लंबे समय से अमायन क्षेत्र को तहसील बनाने की मांग की जा रही थी। महगांव विधायक ओपीएस भदौरिया ने सीएम का आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आभार प्रकट किया है। तो प्रदेश के परिवहन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार भी उन्होंने प्रकट किया। मैं बहुत प्रफुल्लित और हर्षित मन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मध्य प्रदेश के हमारे राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का दिल से और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आज शाम को कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके हमारी मेहगांव विधानसभा क्षेत्र को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। हमारी अमायन तहसील के गठन का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। काफी लंबे समय से मांग थी क्षेत्र के नागरिकों की। मैं भी पिछले 1.5 वर्ष से प्रयासरत था, जो पुरानी मेहगांव तहसील की 38 रेवन्यू हलकों को अलग करके अमायन तहसील का गठन किया गया है। आज ये प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। बहुत जल्दी हमारी अमायन तहसील का निर्माण होगा। तहसील के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एक बार फिर से मैं तीनों नेताओं का दिल से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।